जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th, एक्सरसाइज 11.2, पैराबोला इज गोइंग ऑन बेटा। और आपने ये वीडियो ओपन किया, इसका मतलब आप पैराबोला का जो बेसिक्स है वो उनसे परिचित हो चुके हैं। बट फिर भी एक शॉर्ट रिवीजन, पैराबोला हम जो पढ़ रहे हैं अभी क्लास 11th एनसीईआरटी में, उन सभी पैराबोलास का वर्टेक्स ओरिजिन है, ठीक है, ये पहली बात है। दूसरा, डायरेक्शन पर है, राइट डायरेक्शन होता है तब फोकस ए ज़ीरो होता है, लेफ्ट पर माइनस ए ज़ीरो, और एक्सिस कौन सी रहती है, एक्स, तब की बात है ये। अगर एक्सिस हो इसकी, वाई एक्सिस क्या होती है ये सब हम बता चुके हैं आपको, और जो मेरा मेन वीडियो है ना इसका इंट्रोडक्शन का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये जो अपर है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसकी एक्सिस हो गई वाई एक्सिस और इसका फोकस क्या हो गया, ज़ीरो ए, और डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला फोकस हो गया ज़ीरो माइनस ए, ठीक है। अगली चीज़ होती है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है वो आप सभी जानते हैं, यहाँ से जाएगी, इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ए, इसकी होगी y इज इक्वल टू माइनस ए, ये हो जाएगी x इज इक्वल टू ए, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस ए। इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, इसकी माइनस इसकी x स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, और इसकी होती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई, तो ये सब आप जानते हैं ऑलरेडी। कम टू द क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 12 तक प्रत्येक में परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। फर्स्ट, 7th और 8th बच्चों एक से है, देखो ना भी फोकस दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, यहाँ भी फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ना भी और नियता। तो बच्चों मैंने ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिए। बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ए चाहिए। इन्होंने क्या दिया है, मुझे फोकस यानी ए ज़ीरो भी दिया, साथ में डायरेक्ट्रिक्स भी दी है ना। इसका मतलब वो ये सोच रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं, ये पॉइंट है, ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर है ना, इनका सोचना है कि हम यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये डिस्टेंस, ये दोनों को इक्वल रख के हम जनरेट करेंगे इक्वेशन, जैसे कि हमने आपको सिखाई थी कि पैराबोला की ये इक्वेशन आई कैसे है ना, तो पी एफ इज इक्वल टू पी एम करने से आई, मगर यहाँ हम ये सब नहीं करेंगे क्योंकि हमको बनी बनाई इक्वेशन मालूम है और हमें चाहिए सिर्फ ए। तो बच्चों फोकस 6 0, इसका मतलब फोकस एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एक्सिस भी इसकी एक्स एक्सिस है, इसका मतलब दिस इक्वेशन विल वर्क। तो यहाँ पर लिख देंगे ए, ए कितना है बच्चों यहाँ पर 6, हाँ, और अच्छे से इसके वर्ड्स में थ्योरी जो लिखनी हो वो आप लिख लीजिएगा, तो ए 6 हो गया। और आप थ्योरी लिखेंगे कि सिंस फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड इट्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस, देयरफॉर इट्स इक्वेशन विल बी ऑफ लाइक एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, है ना। इसका जो नाभि है वो एक्स अक्ष पर स्थित है और एक्स अक्ष की धन दिशा पर स्थित है, अतः इसकी समीकरण इस प्रकार की होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स। तो यहाँ पर आप लिख देंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, और ए की वैल्यू बच्चों आपको मालूम है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 6 × x, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, ओके, इतना सा है ये। अब ये फोकस कहाँ है बताइए, ये फोकस वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में है, आप जानते हैं ना, तो ये रहा वाई एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन, ये रहा फोकस, तो कौन सी इक्वेशन चलेगी यहाँ पर, यहाँ चलेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई, है ना। तो बस लिख दीजिए यहाँ पर ए आपका है 3, और इक्वेशन यहाँ पर वर्क करेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई। ये समीकरण क्यों लिखी जाएगी, इसका पूरा रीज़न जो कारण सहित 2-3 सेंटेंसेस हैं, थ्योरी है, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे अगर ये एग्जाम में आता है तो, है ना। तो बस यहाँ पर ए की वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 × 3 वाई, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
माइनस 12y, दैट्स ऑल. ओके, तो ये आप क्या हो गया सेवेंथ और एट्थ. क्वेश्चन नंबर 9, वर्टेक्स दिया है बच्चों और फोकस दिए, तो ये वही है. इसमें तो फोकस आपको दे दिया 30, उसमें भी दे दिया था, उसमें डायरेक्ट्रिक साथ में दे दी थी जिसका कोई यूज़ नहीं था, यहाँ पर वर्टेक्स दे दिया, इसका भी कोई यूज़ नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको फोकस गिवन है 30, दैट मीन्स ए हो गया 3, और फोकस के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना. 4 इंटू ए के प्लेस पर लिख दिया 3, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर कमाल किस चीज़ का है वो बताइए. यहाँ पर कमाल सिर्फ इस चीज़ का है कि आप ये पहचान पाएं फोकस देखकर कि किस टाइप की इक्वेशन अप्लाई होगी, ये कौन से टाइप का फॉर्मूला वो पैराबोला है. ठीक है, बस इतनी सी इम्पोर्टेंस है. क्वेश्चन नंबर 10, इसमें वर्टेक्स 0, 0 का कोई मतलब ही नहीं है ना, फोकस दिया है. फोकस कितना है, -2, 0, ज़रा बताओ कौन सा वाला बनेगा, ऐसा वाला, है ना. और इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, गॉट इट. तो ए कितना है बच्चों, यहाँ पर ए है 2, -2 नहीं, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है, और उस डायरेक्शन के हिसाब से हमने इक्वेशन सेलेक्ट कर दी है, अब तो केवल 2 रहेगा. तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, दैट्स ऑल. ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, वर्टेक्स 0, 0 पासिंग थ्रू 2, 3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, तो ये देखो, ये एक सवाल थोड़ा सा आया जिसमें हम कुछ अलग से सोचेंगे. पॉइंट कौन सा दिया है, 2, 3, है ना, तो वो भी एक रफ पॉइंट अपन आइडिया से बनाते हैं. 2, 3 लगभग ये पॉइंट है. ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा है, लगभग अंदाज से ये पॉइंट है. दूसरा, इन्होंने एक चीज़ हमारी हेल्प की है कि एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, दैट मीन्स ये पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस है ना, तो ऐसे हो सकता है ना, 2, 3 से जाने वाला, गॉट इट, क्योंकि वर्टेक्स 0, 0 है. ये भी तो एक बात है. एक ऐसा भी हो सकता है, अगर वो हमको एक्सिस नहीं देते तब, तो हम ये भी एक गेस कर सकते थे, है ना. अभी उन्होंने हमको एक्सिस देकर हमारा काम बहुत आसान कर दिया. अब ये थ्योरी बच्चों आप लिख लेंगे, क्योंकि दिया है कि इसकी अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश है, ये 0, 0 इसका शीर्ष है, और 2, 3 से ये पास होता है. तो ऐसा पैराबोला जिसका ये डायरेक्शन होता है, ये वाला, है ना, उसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना. और अब ये कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 2, 3, इसका मतलब इसका एक्स वाई जो है वो 2, 3 है ना, ये जो पॉइंट है सर बाउंड्री पर है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 2, 9 इज इक्वल टू 8a, a इज इक्वल टू 9/8. ठीक है, a आ गया ना, तो बस हो गया. अब क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, a की रख दीजिए वैल्यू. ठीक है, और इसमें स्मार्ट वर्क पता है क्या होता है, आप a नहीं निकालो, आप 4a निकालो, है ना. तो 9/2 आ जाता 4a, डायरेक्ट यहाँ लिख देते 9/2. आगे से अपन अब ऐसे ही करेंगे. हाँ, 2 यहाँ आ गया, तो ये हो गया 2y² इज इक्वल टू 9x. ठीक है, ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 11. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वर्टेक्स 0, 0 पासिंग थ्रू 5, 2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस. बच्चों, इसमें इसकी एक्सिस वाई है, इस चीज़ को घुमा दिया थोड़ा सा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, थोड़े वर्ड्स इन्होंने ऐसे कर दिए. तो देखिए, सिमेट्रिक अराउंड वाई एक्सिस मतलब ऐसा, है ना, सिमेट्रिक का मतलब समझते हो, ये जो वाई एक्सिस है ना, ये एक तरह से मिरर का काम कर रही है. यहाँ पॉइंट अगर 2, 4 है, तो यहाँ का पॉइंट -2, 4 है, या ये वाला पॉइंट अगर 3, 8 है, तो ये वाला पॉइंट -3, 8 है. तो मिरर इमेज, इसका मतलब इसकी एक्सिस y एक्सिस है.
इस चीज़ को इन्होंने थोड़ा सा वर्ड्स में हेर फेर किया, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है, ठीक है। पॉइंट कौन सा है? 5-2, तो 5-2 समझो, अंदाज से 5-2 समझो, ये पॉइंट है। तो इस पैराबोला की इक्वेशन कौन सी होगी, मतलब कहने का ये है कि ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, सिर्फ एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है, वो जो मैंने यहाँ पर शुरू में आपको बोली कि कौन सा पैराबोला किस डायरेक्शन वाला, उसकी इक्वेशन कौन सी है, किस पैराबोला की इक्वेशन कौन सी है, बस इतनी सी जानकारी इज मोर देन एनफ। ये आ गया, अभी ये हो गया, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी बेटा, इसकी होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब ये बोले, आप सोच सकते हो कि मैडम पॉजिटिव डायरेक्शन में ही क्यों, वाई एक्स के तो ऐसे भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसे वाला बेटा इससे पास नहीं हो पाएगा। वो भी क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका वर्टेक्स 0, 0। अगर ऐसा होता पैराबोला, देखो ऐसा मतलब हमारे ऊपर वर्टेक्स का बंधन नहीं होता, वाई एक्सिस इसकी एक्सिस होती तो हम ऐसे भी बना सकते थे, वर्टेक्स यहाँ का कोई पॉइंट हो जाता, लेकिन हमारे अभी सिलेबस में वो केसेस ही नहीं दिए इन्होंने, सारे बस ऐसे ही वाले दिए जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो, तो ओरिजिन से पास हो, y एक्सिस जिसकी एक्सिस हो, ऐसा कोई भी पैराबोला नेगेटिव डायरेक्शन में जाए और इससे पास हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब डेफिनेटली इसकी इक्वेशन पॉजिटिव वाली है, y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। ये बच्चों मैं यहाँ कर रही हूँ, पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी तो मैं इसको यहाँ दोबारा कर रही हूँ। वैल्यूज़ रखते हैं, x की वैल्यू रख दी हमने 5, है ना, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू y की वैल्यू क्या है 2, है ना, तो अब की बार हम बेटा 4a निकालते हैं, तो 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4a, गॉट इट। इक्वेशन कौन सी है हमारी, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 2y, 2 इधर ले आइए, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। अब इस टाइप की इक्वेशंस हमको क्वेश्चंस करते समय तो दी नहीं, आउटपुट में ज़रूर आ गई, इसमें भी आ गई और पिछले वाले आंसर में भी आ गई, चलिए कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया होता तो हम पहले इसको 2 से डिवाइड करते, फिर हम a निकालते, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में तो आ सकते हैं, है ना, तो आपको प्रिपेयर रहना है सब तरह से। तो इतना सिंपल सा है पैराबोला। अच्छा बच्चों एक बात और, आप अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में देते तो इस क्वेश्चन की वर्थ कितनी रखते, मेरे ख्याल से तो ये 2 नंबर का नहीं है, है ना, और हम एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं, कोई कंपटीशन तो पढ़ नहीं रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन हमको 4 मार्क्स में आ जाए, आपको क्या लगता है, आप सिर्फ ए देखकर फोकस देखकर लिखकर आ जाओगे, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तब आपको क्या करना होगा, प्रॉपर वे में इक्वेशन को जनरेट करना होगा, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर करके रखा है बच्चों, ये देखो क्वेश्चन नंबर सेवन, जस्ट अ मिनट, ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, आपको फोकस दिया था और आपको डायरेक्ट्रिक्स दी थी, है ना, हमने तो इसका यूज़ ही नहीं किया, हमने तो फोकस से कर दिया, है ना। लेकिन अगर बाय द वे 4 मार्क्स में आता है तो हम क्या करेंगे, ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -6, फिर हम इसकी इक्वेशन जनरेट करेंगे, डराइव करेंगे, है ना। तो ये पी पॉइंट एक्स वाई हो गया, पी एफ इज इक्वल टू पी एम, तो पी एफ इज इक्वल टू पी एम, ये आ गया आपका पी एफ, है ना, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, और पी एम यानी एक्स वाई से एक्स प्लस 6, ये क्या हो, कौन सी इक्वेशन है, ये एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एक्चुअली, ना, तो एक्स वाई से इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो होगा x प्लस 6 अपॉन रूट 1, उस समय हमने सब सिखाया था आपको, और फिर इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए यही आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहा था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, इसको हम पूरा जनरेट करके डराइव करके दिखाएंगे, ओके। एक और मैंने करके रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बच्चों ये था, देखिए इसमें आपको वर्टेक्स दिया है और फोकस दिया है, है ना, वर्टेक्स और फोकस। इसमें हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 10 में, ये देखिए ये वर्टेक्स है 0, 0 और ये फोकस है -2, 0, तो डायग्राम तो हम अकॉर्डिंगली बनाएंगे जैसा दिया है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स
क्या होगी? जितना ओरिजिन से इधर फोकस होता है उतनी ही ओरिजिन से उधर डायरेक्ट्रिक्स, ओरिजिन नहीं बोलना चाहिए मुझे, वर्टेक्स बोलना चाहिए, लेकिन वर्टेक्स चूंकि ओरिजिन पर है इसलिए करेक्ट है। तो वर्टेक्स से जितना दूर फोकस होता है ना उतना ही दूर डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो अगर ये -2 इधर -2 है तो इस तरफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इज इक्वल टू 2। बाकी प्रोसीजर बच्चों सेम है, पी एफ इज इक्वल टू पी एम, ये पॉइंट पी है, पी एफ इज इक्वल टू पी एम, डन। अपन फॉर्मूला में रख देंगे जो हमने पढ़ सीखी हैं चीज़ें, और देख लीजिए ये आ जाएगा 10th क्वेश्चन का आंसर, देखो यही था y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। तो ये आपको अपने स्वविवेक से निर्णय लेना है कि दो नंबर का मार्क्स, दो मार्क्स का क्वेश्चन है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मुझे इसमें अपना कितना इनपुट डालना चाहिए कि मुझे आउटपुट पूरा पूरा मिल जाए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।